पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इस बार नवरात्रों में दुर्गा पूजा का आयोजन और भव्य बनाने की तैयारी हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रीभूमि, सॉल्ट लेक, एफडी ब्लॉक और टालापाड़ा की पूजा का उद्घाटन किया। सकाले शिवलिंग फूल, सकाले काशफूल, धमसा बाजे मादल बाजे, शिवलिंग दोले काशफूल दोले, मुनेर बाजे पूजो घुरे, माके हमरा सबाई बोली मा गो तुमिओ भालो थेको, सकलके भालो रेखो। जय बांगला, जय बांगला, जय बांगला, जय जय मा दुर्गा, जय मा दुर्गा, जय मा दुर्गा, जय। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले श्री भूमि पूजा का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूजा गुरुवार से शुरू हो गई है। इस दौरान उन्होंने राज्य के अधिकारियों को एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि किसी को भी कोई असुविधा ना होनी चाहिए और दुर्गा पूजा समारोह का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में दुर्गा पूजा समितियों को ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि पैदल और वाहनों की आवाजाही को बिना किसी परेशानी के अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाए। लेक टाउन क्षेत्र में वीआईपी रोड के साथ श्रीभूमि सपोर्टिंग क्लब पूजा का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ निर्देश दिए कि दुर्गा पूजा के दौरान कोई सड़क अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। सड़क ब्लॉक होने से लोगों को परेशानी होती है, सड़कों पर जगह बनाए रखनी चाहिए ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस संबंध में ममता बनर्जी ने राज्य सरकार में मंत्री सुजीत बोस और नेताओं को निर्देश दिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल दुर्गा पूजा की 11 दिन तक धूम रहने वाली है। राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा दिनों की छुट्टियां घोषित की हैं। इस साल दुर्गा पूजा के लिए सरकारी अवकाश 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक रहेगा। जिलों में 7 अक्टूबर को दुर्गा पूजा कार्यक्रम होंगे। कोरोना के कारण 2 साल से कार्यक्रम स्थगित थे। सरकार 8 अक्टूबर को कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है।